केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2025 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने वाला विषय है। निश्चित तौर पर इसको लेकर जो चर्चाओं का दौर है वो केंद्रीय कर्मचारियों और अलग अलग राज्य के राज कर्मचारियों के बीच भी है। वैसे इस स्कीम की बात कर ली जाए तो जो अलग अलग राज्य हैं वो अपने संवैधानिक व्यवस्था के तहत इसको लागू कर सकते हैं। महाराष्ट्र पहला राज्य है। हमारे साथ जो जुड़े हैं वो उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी, हम उनसे बात करेंगे, शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, और जानने का प्रयास करेंगे कि ओल्ड स्कीम बेहतर है, ओल्ड पेंशन स्कीम बेहतर है, इसके अलावा NPS बेहतर है या फिर UPS बेहतर है, क्या कुछ इसको लेकर चर्चाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर एक बात बताइए कि जो भी सरकार का कहना है, दावा ये है कि एक बड़ी सौगात है, आप कैसे देखते हैं इस पर? जी पहले मैं अपना परिचय, मेरा नाम शशांक कुमार पांडे, मैं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का जिलाध्यक्ष हूँ और प्रदेश का संयुक्त मंत्री हूँ। देखिए मैं ये मानता हूँ कि सरकार ने अभी 6 महीने पहले जो कहा था कि NPS से बेहतर कुछ नहीं है, दावा किया था, उनके वित्त मंत्री ने दावा किया था, उनके तमाम मंत्रियों ने दावा किया था, जब उस समय चुनाव के समय में हम आंदोलन रहते तो भी कहते थे कि नहीं उससे बेहतर कुछ नहीं है। हमारी सबसे बड़ी जीत है कि 6 महीने में उन्होंने मान लिया कि नहीं NPS से बेहतर UPS हो सकता है, तभी तो UPS लाया। हमने NPS में कहा था कि ये बाजार आधारित व्यवस्था आपकी है और बाजार कब गिर जाएगा कोई नहीं जानता। आप अब मानने को तैयार हो गए हैं कि हाँ हम आपको मानते हैं कि आपने जो बात कही थी वो सही थी, और सरकार ने UPS में सुधार करते हुए ये तय किया कि भाई हम आपको फिक्स पेंशन देंगे। NPS में वो व्यवस्था नहीं थी, हमारा आप कंट्रीब्यूशन ले रहे थे, आप अपना कंट्रीब्यूशन 14% दे रहे थे लेकिन उसको मार्केट में आप डाल रहे थे और मार्केट से जो पैसा बच जाएगा वो पैसा आप हमको देने की बात कर रहे थे। लेकिन अब आपने तय किया है कि हमारे रिटायरमेंट के दौरान जो 12 महीने का अंतिम 12 महीने की सैलरी होगी उसका 50% आप UPS में देंगे। आपने ये भी तय किया कि 10 साल की न्यूनतम सेवा पर आप 10,000 रुपया देंगे। आपने कई चीज़ें बेहतर किया, मतलब जो हम कह रहे थे वही आपने किया है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपने वो कर दिया, अच्छा किया, आपने अपना अंशदान भी बढ़ा दिया, 18.5% कर दिया, हमारा अंशदान अभी भी 10% है, चलिए बहुत बढ़िया किया, लेकिन अभी भी आप बाजीगरी कर रहे हैं। आप पुरानी पेंशन क्यों नहीं दे दे रहे हैं भाई? ठीक है आपको लग रहा है कि भाई पुरानी पेंशन नहीं देंगे, तो एक तरह से तो ये आपकी जिद है और जिद से कोई फ़ायदा नहीं है। सीधा सा विषय ये है कि NPS का विकल्प UPS हो ही नहीं सकता था, और OPS का विकल्प तो ना NPS है ना UPS है, आप OPS दे दीजिए। इसलिए हमारी मांग अभी भी जारी है कि भाई OPS से नीचे हम कुछ नहीं मानते, हमें UPS नहीं चाहिए, हमें सिर्फ OPS चाहिए। यानी ओल्ड पेंशन स्कीम ही इनको स्वीकार है। आपका नाम? संतोष कुमार पांडे, जिला मंत्री, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ। संतोष जी, जैसा कि इन्होंने भी बताया, अलग अलग क्राइटेरिया यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बनाए गए हैं, चाहे आपके अवधि की निर्धारित जो सीमा हो कि 25 वर्ष पूरे होने पर ही आपको वो लाभ मिल सकेगा, ये तमाम चीज़ें हैं। क्या आप भी मानते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम ही बेहतर है? एकदम, ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प कुछ है ही नहीं, और ना NPS है ना UPS है, केवल OPS ही है, एक OPS ही है। तो सरकार तो कह रही है कि नहीं आप लोगों के लिए कि ये सौगात है, कितने दिनों से मांग कर रहे थे उस मांग को हमने पूरा कर दिया। सरकार ने क्या किया, NPS को ही इससे पहले बेहतर कह रही थी, 20 साल तक बेहतर NPS ही था, अब 20 साल बाद NPS से बेहतर हो गया UPS हुआ है ना, उसी तरह आने वाले समय में OPS ही सबसे बेहतर हो जाएगा, सरकार भी यही करेगी। देखिए अलग अलग विचार हैं, अलग अलग मानना है, हालांकि सरकार का दावा अपनी तरफ स्पष्ट है कि नहीं ये सौगात है कर्मचारियों को, आप कैसे देखते हैं सर? देखिए ये NPS से बेहतर है, इसमें नो डाउट। जैसे सबसे बड़ी हमारी मांग थी कि गारंटेड हो जाए, तो उन्होंने गारंटेड दे दिया, लेकिन ये OPS का विकल्प नहीं हो सकता। OPS है, उसमें बहुत, जैसे हमारा जो पैसा रहता है उसको वो लास्ट में रिटायरमेंट के बाद दे देते हैं, लेकिन उन्होंने जो 18% बढ़ाया है भाई, 4.5% बढ़ाया है, 14 से 18 किया है और 10% हमारा है, 28% दे रहे हैं। सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन तो बढ़ाया लेकिन आपका तो तय ही है 10%। नहीं 10% तो है ही, तो हम कह रहे हैं ये जो दे रहे हैं पैसा, अपना कंट्रीब्यूशन लगा रहे हैं, वो पैसा हमको रिटायरमेंट के समय नहीं मिलेगा, तो उस समय हम क्या करेंगे? अगर एक मुश्त हमको, जबकि OPS में ये हमको पूरा मिलता, तो जो हमको मिलता पैसा, तो उससे हम उस समय जो हमारी लाइबिलिटीज़ होती उसको पूरा करते, लड़की की शादी है, बच्चे को कहीं फिक्स करना है, कहीं उसको स्टैंड कराना है, बाकी चीज़ें करते ना उस समय। हाँ बहुत समय जी। आप कैसे देखते हैं सर? पहले अपना परिचय दे दूँ, संजीव त्रिपाठी, जिला संयुक्त मंत्री, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ। देखिए जो हमारी मांग है वो हमारी मांग थी OPS। अभी ये खेल चल रहा है कि जो सामान उनको लग रहा है कि ये 100 रुपये में ही ये बेचा जा सकता है, तो वो कह रहे हैं नहीं 100 रुपया, अब 100 रुपये से वो 150 रुपये आ गए। हमें तो पूरा 200 चाहिए ना, हमने तो 200 मांगे ना,
वो अभी क्या कर रहे हैं, अभी वो 50 रुपये काट लिए हैं, वो सोच रहे हैं कि हो सकता है ये 50 रुपये का मुनाफा हो जाए। नहीं चलेगा, वो मुनाफे का खेल नहीं है, सामाजिक सुरक्षा का सवाल है। किसकी सामाजिक सुरक्षा का सवाल है? उस कर्मचारी का जो आपको 33 साल की सेवा दे करके जाके रिटायर हो रहा है, जिसको उस समय सबसे अधिक आवश्यकता है लड़की की शादी, मेडिकल के खर्चे, सारी चीज़ें उसके बढ़ेंगे, तो उसको उस समय सबसे अधिक आवश्यकता है। तो दीजिए ना OPS, आप 18.5 दीजिए, चाहे आप 20.5 दीजिए, आप ज़्यादा कमाइए अपने पास रख लीजिए, लेकिन हमको हमारा OPS दे दीजिए। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जहाँ एक तरफ बात होती थी कभी भी पेंशन की, तो जो भी एक्सपर्ट हैं वो ये दावा करते थे कि सरकार, पूरी दुनिया जो है वो महंगाई और बेरोजगारी तमाम ऐसे विषयों से घिरी हुई है, और आज जो है ओल्ड ये आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया। देखिए, जितने भी विचारक हैं उसमें कई तरह के होते हैं, एक तो धुर विरोधी होते हैं, एक होते हैं जो बीच के होते हैं, और एक होते हैं समर्थक, क्योंकि देखिए हर चीज़ के तमाम पहलू होते हैं और हर व्यक्ति हर की चीज़ के पहलू समझा देगा, लेकिन जब उसकी खुद की बारी आएगी तो वो सही वाले पहलू को चुनेगा। अगर जितने विचारक हैं उनको चुनने के लिए कहा जाएगा ना, तो वो कहेंगे मुझे OPS चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष की एक ऐसी भूमिका रही जिसकी वजह से सरकार ने ऐसा फैसला लिया, क्योंकि कभी नहीं सोचा जा रहा था कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी लागू हो सकता है? देखिए, सीटें की कम आई, कहीं ना कहीं दबाव रहा, सारे शिक्षक संगठन, सारे कर्मचारी, सारे संगठित क्षेत्र के लोग लगातार हम लोग प्रेशर बनाए रहे। ये जो प्रेशर ग्रुप है उसने बहुत बड़ा काम किया। हम लोग एक छोटे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हम लोग बहुत लोग, हम लोग विचारक लोग हैं, शिक्षक लोग हैं, हम अपना विचार देते हैं, तो इनके जो कार्य हैं उससे प्रभावित हुआ है, और ये जो कम सीटें आई उससे कहीं ना कहीं सरकार दबाव में है और वो ये सुधारात्मक व्यवस्था कर रही है। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब हम मध्यम वर्ग पर ध्यान देंगे, तो मध्यम वर्ग में कौन है? शिक्षक है, बुद्धिजीवी है, आप पत्रकार भी हैं, तो सरकार को सोचना चाहिए और ऐसी योजना लानी चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो, जिसमें जो OPS है वो UPS लाए हैं बेहतर है, लेकिन OPS दें, क्योंकि वो सही ढंग से सामाजिक सुरक्षा का दायित्व निभाती है। लेकिन सर, विपक्षी दलों का भी ये कहना है कि हम एक एक करके इनको उन निर्णयों पर लेने के लिए मजबूर कर दे रहे हैं जो जिसके बारे में ये कभी सोच सुनना भी स्वीकार नहीं कर रहे थे। आपको क्या लगता है विपक्ष की इसमें भूमिका? देखिए, विपक्ष का मतलब क्या होता है? जिस भी योजना के खिलाफ जो भी खड़ा है वो विपक्ष में है। सबसे बड़ा विपक्ष तो आज आम कर्मचारी और आम शिक्षक है सरकार का। हम OPS के समर्थन में है और सरकार के NPS के विरोध में थे। तो विपक्ष जो आप कह रहे हैं, संसद में उपस्थित 100-150 लोगों को आप विपक्ष कह रहे हैं, लेकिन दलीय व्यवस्था की अगर बात करेंगे तो बहुत सीमित बात हो गई। वो 150 लोग कौन हैं? वो 150 लोग उन्हीं बड़े विपक्षियों के बीच से निकल के गए हुए लोग हैं, तो उन 150 की आवाज़ तो नो डाउट संसद में गूंजी रही है, लेकिन वो किसकी आवाज़ है? वो उस विरोधी तबके की आवाज़ है, जो विरोधी तबका कर्मचारी है, शिक्षक है। किसका विरोधी है? वो विरोधी था NPS का और पुरानी पेंशन मांग रहा था। तो विपक्षी पार्टियां भी कोई दूध की धुली नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अभी एक प्रश्न हमारे सामने आया कि भाई राहुल गांधी ने विरोध किया। मैं आपसे पहले ही कह दिया कि राहुल गांधी की पार्टी 2004 के तुरंत बाद शासन में आई, 2004 के अंतिम समय में 1 जनवरी 2004 को वाजपेयी जी ने पुरानी पेंशन हटाया, आप मई में शासन में आ गए। आपने पुरानी पेंशन को हटाने वाले जो बजट, जो गजट ही नहीं बना था, अभी गजट हुआ ही नहीं था, पूरा लागू ही नहीं, उसको खत्म कर दिए होते। लेकिन आपकी सरकार 10 साल तक सरकार बना के आप रहे, और आपने 2012 में बल्कि PFRDA बिल लाया, किसके लिए? NPS को लागू कराने के लिए। तो आपकी उस व्यवस्था को हम मानते हैं कि आप अवसरवादी लोग हैं। आप जो शिक्षक कर्मचारी का एक बड़ा वर्ग, करोड़ों का वर्ग जो विरोध कर रहा था, उसमें आप अवसर ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके विरोध हमारे पक्ष में है, इसका हम समर्थन करते हैं। और नो डाउट सरकार की जो स्थिति कमजोर हुई है राजनीतिक रूप से, उसका लाभ हम लोगों को मिल रहा है और हमारा विरोध सफल हो रहा है, हम ये मानते हैं। चलिए, एक अंतिम सवाल आपसे, क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संतुष्ट हैं या अभी भी उस मांग पर रहे कि नहीं ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी चाहिए? एकदम संतुष्ट नहीं है, ओल्ड पेंशन स्कीम हमको चाहिए और अंतिम दम तक चाहिए। तो ये थे हमारे साथ राज्य कर्मचारी, जिनका साफ कहना है कि सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू किया उसका वो स्वागत करते हैं, लेकिन अभी भी ये इस बात पर अटल हैं कि इन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम की ही व्यवस्था चाहिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।